अभी तक हम लोग हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री के बाद फाइनल नंबर आ चुका है पॉलिटी का। काफी हद तक आप लोग तो देख कर पाओगे हिस्ट्री की जहाँ पर हम लोगों ने एंडिंग की थी, जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं की कुछ बातें जो यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी हिस्टोरिकल जो इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं वहाँ पर, एंड आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा पॉलिटिकल पॉलिटी को शुरू करने में कि आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत हो रही है। तो अगर आप लोग डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी का एक मेजर पार्ट है एग्जाम में, ठीक है। इवन इसके ऊपर आपकी CDS के एग्जाम में लेक्चरेट हो जाते हैं, कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप CAPF का पेपर कर रहे हो तो उसमें तो आपकी ऐसे राइटिंग काफी हद तक पॉलिटी के कंटेंट के ऊपर रिलेट करता है ना। ऐसे राइटिंग है आपका, आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। पॉलिटी अगर आपकी अच्छी है ना तो आप करंट के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, गवर्नेंस के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो बातें हैं, जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आप लोगों के काम आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको हमारी क्लासेस किस तरीके की लग रही हैं। अगर कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करो, हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्प्रूवमेंट हमसे हो सकते हैं बेस्ट, हम वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एंड प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपका प्यार हम तक पहुँच सके। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का ये प्यार हम लोगों के लिए। तो फाइनली शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो शुरुआती समय में 1600 में आए थे। तो 1600 में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो एज अ ट्रेडर आए थे, उनको केवल एक ही काम था, क्या, इंडिया में जितना हो सके व्यापार करना, जितना हो सके मुनाफा कमाना, ठीक है। इंडिया में आते थे वो नॉर्मली किसके लिए, क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है, मसाले, ठीक है, मेन तो यही दो इंग्रेडिएंट थे। आगे चलकर इसमें एक और चीज ऐड हो गई, वो थी लीन, ठीक है, इंडिगो, और भी इस तरह की धीरे धीरे प्रीशियस गुड्स इसमें ऐड होती चली गई। अंग्रेज इसके बदले में हमको वहां से लाए हुआ कुछ सामान देते थे, या फिर उसके बदले में सोना या चांदी दिया करते थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो मेन, जो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसी टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में चल रहा था, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहां पे प्रोडक्शन बहुत तेज हो गया, खास तौर से जो कपड़ों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेज हुआ, किसका, अब ये प्रोडक्शन इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि कहीं ना कहीं उनको मार्केट की जरूरत थी। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, इंडिया को, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी इतना कैप्चर कर रखा है, क्यों ना हम लोग इंडिया को क्या करें, अपनी मार्केट बनाना शुरू करें। तो इंडिया के राजाओं के साथ क्या, इन्होंने ट्रेड डील्स करनी शुरू कर दी, ये सारे काम शुरू कर दिए। तो अभी तो 1600 में तो एक केवल सिंपल क्या, एग्जीक्यूटिव राइट मिल चुका है बिजनेस करने का इंडिया के साथ। फाइनली 1765 में यहाँ पर आपको पता होगा एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है, आप लोगों को पता होगा इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद इसके, इससे पहले दो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो इन दोनों बैटल्स को हारने के बाद फाइनली जो इंडिया के, जो एक तरह से बोला जाए जो वहां इंडिया में जो राजतंत्र चल रहा था वो कमजोर हो गया। ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया में बंगाल, बंगाल के बाद अवध, अवध के बाद दिल्ली, तीनों लगी हुई एक साथ टेरिटरी पूरी की पूरी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। और अंग्रेजों को यहाँ पर मिल गए मेनली दीवानी राइट। कौन से राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स, कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मेनली बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट। इसके अलावा जो मुगल जो एम्पायर था वो भी अब क्राउन के अंडर में क्या करने लगा, रूल करने लगा, पेंशन पे चले गए। तो एक तो दीवानी राइट्स मिले, और दीवानी राइट्स के अलावा इनको यहाँ पर निजामी राइट्स मिले। निजामी बोले तो रूलिंग राइट्स, एक तरह से बोला जाए तो रूल करने का राइट्स भी मिले। कहने के लिए तो हमारे खुद के जो राजा होते थे, नवाब होते थे, वो रूल कर रहे,
बट एक्चुअल में पीछे यहाँ पर भी रूल करने वाली जो मेन पावर थी वो बिल्कुल ब्रिटिशर थी, उनके पूछे बिना यहाँ पे कोई एक्शन। फाइनली इसके बाद यहाँ पर लगातार एक्ट आने शुरू होते हैं, इसी में एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1773। सबसे पहला पूर्ण रूप से लिखित एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो शुरू हुआ था प्रोसेस वो यहीं से शुरू हुआ, हम लोगों की जो शुरुआत होगी वो यहीं से। तो 1773 से 1858 तक ये डायरेक्टली जो यहाँ तक का जो रूलिंग पीरियड था वो यहाँ पर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का था, रूल करने वाले ब्रिटिशर्स बट यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग क्या चलता था एडमिनिस्ट्रेशन का। 1857 में होता है रिवॉल्ट, आपको पता होगा यहाँ पे होता है रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, उसको ये रियलाइज हो गया कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया, यहाँ पर चीजें नहीं संभाली तो इंडिया हमारे हाथ से निकल जाए। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है 1773 से लेकर 1857 तक, दूसरा है 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट है। तो इसको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला जो है वो है हमारा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जो है वो है क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड फाइनली ये जो टाइम पीरियड ये किया है पूरा का पूरा क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी, क्या है बेसिक थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। उम्मीद करता हूँ, आगे बढ़े। चलिए तो फाइनली शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। किस तरह से कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आता है, मतलब शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की जाती है। यहाँ पर पहली बार क्या होता है, जब कंट्रोल शुरू हुआ 1765 में, जब अंग्रेजों के हाथ में एक बहुत बड़ी टेरिटरी आ गई, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जब अपनी पावर को और ज्यादा एक्सपेंड किया तो उनको लगे कि अब काफी अच्छा नहीं है कि आप मेन कंट्रोलिंग पावर में आ चुके हैं। मेन जो कंट्रोलिंग पावर थी वो कहाँ पर थी, वो एक तो थी बॉम्बे, बॉम्बे के अलावा मद्रास, मद्रास के अलावा यहाँ पर एक जो थी वो कौन सी थी, तीन मेन क्या थे रीजन। और इन्हीं तीनों को सबसे पहले ब्रिटिश शब्द ने क्या किया, गवर्नर जनरल था इसके अंडरटेकन कर दिए थे बॉम्बे, आई होप बात समझ आई होगी। साथ साथ यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है चार मेंबर, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है चार मेंबर की, जो कि किसके कंट्रोल में थी, गवर्नर जनरल को। पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन बना, ध्यान रखिएगा पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा काफी फेमस पर, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे बनता है। इसी समय पर इंडिया में एक क्या सुप्रीम कोर्ट होता है, और इनिशियली शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में गवर्नर जनरल के भी करते हैं, तो भी गवर्नर जनरल कोर्ट के काम को भी एक्सटेंड कर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर टिका है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है और इसके जो पहले जज बनते हैं ये बनते हैं एलिजा इम्पी, रेशियो होता है 3+1 का मतलब टोटल फोर जजेस का पैनल, 3+1। एलिजा इम्पी इसके पहले कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। और ये एस्टैब्लिश होता है कब, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे पहले एस्टैब्लिश होता है कब, ईयर 1774 में, इसको अनाउंस किया गया 1774 में से।
आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, यहाँ पे जो लाइसेंस प्रोसेस था यहाँ पे क्या कर दीजिए, लाइसेंस प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया गया उसके लिए। तो जो भी बिजनेस करेंगे ट्रेड के लिए आपको क्या, ट्रेड के लिए आप लोगों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते जो ऑफिसर्स थे, ये लोग बिना लाइसेंस के यहाँ पे क्या करते थे, काम करते थे, बिना लाइसेंस के क्या करते थे, ट्रेड करते थे, और डायरेक्ट जो बेनिफिट था वो सीधे इनके अकाउंट में चला जाता था। तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया था। हुआ एक्चुअल में ऐसा था कि लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट जा रही थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं ये कहीं ना कहीं क्या करें, करप्शन करें, ये लोग इतने ज्यादा करप्ट हैं कि बेनिफिट दिखाई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार जब इंडिया में 1500 से लेकर लगातार ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखो काफी अच्छा खासा लंबा टाइम बीत चुका है। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी अपने आप को प्रॉफिट में दिखाया ही नहीं। इतने ज्यादा करप्ट थे कि यहाँ से भी बेनिफिट ले रहे थे और वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पैसा ले रहे थे, इतना ज्यादा करप्शन। और इसी करप्शन के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक लॉर्ड नॉर्थ होता है, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक कमेटी करती है और वो कमेटी इंडिया में आती है चुपचाप और आकर क्या करती है, पूरा सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद वापस जाती है, लॉर्ड नॉर्थ को रिपोर्ट करती है। और लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पर क्या करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आते हैं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कितने ज्यादा नाराज हुए थे, तो कितना इम्पैक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, इतना ज्यादा कंट्रोल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे पड़ जाती है लॉर्ड नॉर्थ से, और लॉर्ड नॉर्थ को मजबूरी में जाकर क्या करना पड़ता है, रिजाइन भी करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ। इसके बाद एक और अधिनियम आता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। क्या कौन सा आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कब आता है, 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी जो एक्चुअल में रेगुलेटिंग एक्ट से नाराज हो गए थे ना, उन्हीं को खुश करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए थे। समझ आई बात, क्या लेकर आए थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए, कब, 1781। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे बनाई गई थी गवर्नर की हेल्प के लिए, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले तो कंट्रोल में होती थी किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट इनसे जवाब मांग सकता था, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर सकता था, पर यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से इसको बाहर कर दिया। इसका मतलब गवर्नर भी अब यहाँ पे क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंटली काम कर, अब उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना। फिर आता है यहाँ पे फिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप। यहाँ पर हमको प्रॉपर एक क्या कंट्रोल देखने को मिलता है, मैनेजमेंट देखने को मिलता है, किस तरीके का मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। अब इनका काम क्या, एक का काम है पॉलिटिकल जितने वर्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने वर्क हैं उनको लीड करना, और दूसरे का काम है जितने भी कॉमर्शियल और ट्रेडिंग और बिजनेस राइट्स होते हैं उनको कंट्रोल। तो मतलब एक तरह से बोला जाए तो पावर को क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर, पावर्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया है ना। और यहां पर पहली बार जो वर्ड यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश अधिकार, प्रॉपरली ये वर्ड यूज किया गया। इस समय पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है विलियम पिट, जिनके अध्यक्षता में इस बिल को लाया जाता है और इसको इंडिया में क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। यहाँ पर एक चीज और भी होती है, वो होती है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनको यहाँ पर ना गिफ्ट सिस्टम जो होता है उस समय का, वो गिफ्ट सिस्टम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आप किसी तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते किंग से, किसी भी पर्सन से, क्यों, क्योंकि क्या करते थे, मान लो किसी राजा ने बोला जी हमारे यहाँ तो आकार पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, हम आपको कैसे पैसे दे दें, कैसे आपको टैक्स दें, पैसे में क्या होते थे, बोलते टैक्स देना पड़ेगा। तो राजा बोलता था ठीक है एक काम करते हैं यार, थोड़ा 50,000 रुपये आप रख लो, 2,00,000 का टैक्स है,
तो 2 लाख का टैक्स तो हमारी जनता पे करनी पड़ेगी, 50,000 रुपये आप। और इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्या जो भी गिफ्ट होते थे उनको यहाँ पर बंद कर देगा, जो किसी भी तरह के गिफ्ट को यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वहाँ पर नहीं। फिर आगे चलकर एक और एक्ट आता है, ठीक है, चार्टर 1813। पर आप कहोगे तो चार्टर एक्ट 1813 से पहले भी तो कुछ एक्ट आए थे, तो बिल्कुल आए थे यहाँ पर, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे आया था 1786 वाला जो एक्ट है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हमारे लिए तो वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया, और उसे जो पावर थी वो किसके बराबर दे दी गई, कमांडर इन चीफ के बराबर। कमांडर इन चीफ बोले तो एक तरह से आर्मी के कमांडर के बराबर की पावर दी थी, सेनापति है ना। तो पावर जो थी वो किसके बराबर दे दी थी, कमांडर इन चीफ के बराबर दे दी। सबसे पहले तो यहाँ पे पावर इसकी बढ़ाई गई। दूसरा चीज क्या की गई, जो काउंसिल बनाई गई थी यहाँ पर, ठीक है, जो परिषद बनाई गई थी उसकी पावर को क्या किया गया, कंट्रोल किया। उसकी जो पावर थी उनको क्या किया गया, यहाँ पे कंट्रोल किया। फिर एक और यहाँ पे चार्टर आता है, वो कौन सा आता है वो भी मैं आपको बताया था। यह आया था 1793 का चार्टर। 1793 के चार्टर में भी कुछ खास ऐसा चेंज नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी के जो वर्क थे उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी डिस्क्राइब किया जाता है रिटन फॉर्मेट में, बात की जाती है ताकि कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसकी एक रिटन फॉर्मेट में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि क्लियर हो सके कि कौन किस एक्शन को ले रहा है, किस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया जाता है कि ब्रिटिश कौन से कानून लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है 1830। 1830 का जो चार्टर है टू इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1793 से लेकर 1830 के बीच जो फ्रांस में उस समय पर नेपोलियन हटता था, और नेपोलियन काफी हद तक इंग्लैंड के अधीन था। नेपोलियन यहाँ पर क्या करता है, अपनी एक कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी लेकर आता है। कब लेकर आता है, 1806 में ये लेकर आता कॉन्टिनेंटल या स्ट्रेटजी। अभी जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी या सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग होता क्या था कि इसने कंप्लीटली जो इंग्लैंड था, जो लंदन था, एक तरह से बोला जाए इंग्लैंड जो है ग्रेट लंदन पर्सन का पार्ट है, इसे कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया, और आइसोलेट कर दिया था इसे पूरे के पूरे वर्ल्ड। बोला जी इसके पास कोई भी देश क्या नहीं करेगा, अपने क्या बोलते सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाएगा, इनको सामान नहीं बेचेगा। तो कंप्लीट जब आइसोलेट करता है तो उसके वजह से क्या इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत, रॉ मटेरियल कम पड़ता है, मार्केटिंग के लिए ओपन नहीं हो पाती, यूरोप में लोग अपना सामान नहीं बेच पाते, क्योंकि यूरोप तो पूरा का पूरा उस समय पर नेपोलियन के कंट्रोल में। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो मजबूरी में जाकर इंग्लैंड को क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इंडिया में जो अपने राइट्स उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, मतलब कि लंदन की गवर्नमेंट को अपने राइट्स को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थोड़े से राइट्स क्या करने पड़ते हैं। आई होप आपको बात समझ आई। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एंड ऑफ द मोनोपोली हो जाती है ईस्ट इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल और केवल दो ही राइट्स रह गए, और वो दो राइट्स कौन कौन से थे, एक था ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, एंड इसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ टी। ट्रेडिंग ऑफ, ये दो राइट्स केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं, बाकी सारे राइट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने हाथ में ले लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया जाता है कि आप लोग इंडिया में जाइए, और वहां पर क्या आप रिलीजियस जो एक तरह से रिफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन शुरू कर,
जो भारतीय हैं उनके जो अपने व्यापारिक जो मतलब व्यापार जो उनके अपने थॉट्स हैं, जो उनका अपना कल्चर है, उसको आप लोग यहाँ पे क्या कर दीजिए, खत्म कीजिए, और यहाँ पर आप अपना क्या कर दीजिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना शुरू कर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज का बजट है। 1 लाख रुपीज का बजट जो है इंडियन की एजुकेशन, पर एजुकेशन का भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं किस इंस्टीट्यूट को पैसा देना है, किसको देना है, बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सारी चीजें कौन डिसाइड करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, तो किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो। फिर आता है यहाँ पर 1833 का चार्टर है। जब हम लोग बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट, तो ये आपके यहाँ पे बहुत यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राइट्स को बिल्कुल क्या कर दिया था, नल अवॉइड कर पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया था, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक और ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं बनता है, ठीक है, 1833 का बनता, पर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट थे उनको क्या कर दिया था काफी हद तक। और जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन बनता है, विलियम बेंटिक, कौन बनता है, बेंटिक बनता है, ये वही बेंटिक है जिसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया, याद रखिए बात, सती सिस्टम को एबॉलिश करने वाला बनता है, ध्यान रखिए सती सिस्टम। आई होप बात समझ में आ रही है। अब बंगाल और जो मद्रास, सॉरी मद्रास और जो बॉम्बे, ये दोनों क्या कंपनी प्रेसिडेंसी में थे और जो इसके कंट्रोल में थे, तो आपसे कोई पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ या कौन करते हैं यहाँ पे क्या मुझे विजन करती है क्या शिक्षा भी नहीं क्या शिक्षा भी आप साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है जो बचे हुए जो कॉमर्शियल राइट मैकॉले आएगा और इसके ये पहला हमारा पहला लॉ कमीशन था जो यहाँ पे मैकॉले की अध्यक्षता में क्या किया गया था, स्थापित किया गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है चार्टर एक्ट 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है इसके अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे, अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एस्टेब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की थी, विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये चीज नजर आ रही है कि शुरुआत होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक तरह से बोला जाए तो मिनी पार्लियामेंट।
अच्छा यहाँ पे यार एक गलती हुई, मैकॉली वाला मैंने आगे बता दिया, मैकॉली कमेटी यहाँ पे बात, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैकॉली कमेटी, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी यार गलती हो जाती है इंसान। फिर यहाँ पर एक और चीज़ होती है क्या, सिविल सर्विसेज का है, तो ओपन सिस्टम को यहाँ पे लाने की कोशिश की जाती है। आज के दिन पर आप कई लोग तैयारी कर रहे हो इंडियन सिविल सर्विसेज की, तो इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत करें यहाँ पर पहली बार लाया जाता है, और पहला जो भारतीय बना था वो बने थे कौन, सत्येंद्र नाथ एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, वो यहाँ पर पहले क्या बने थे, पहले आइए कब और इंडियन सिविल सर्विस का फादर किसको कहा है, तो लॉर्ड गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, और यहाँ पे एक नई पोस्ट बनाई जाती है वाइस राय, और पहला जो वाइस राय बनता है वो कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो आखिरी गवर्नर जनरल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वो ही यहाँ पर क्या बनता है, वाइस राय बनता है। साथ ही साथ एक और पोस्ट बनाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या जिसे बोलते हैं इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव,
ये जो बंदा होता है इसके कंट्रोल में 15 लोगों की कमेटी बनती है, काउंसिल बनती है जो कि इसको रिपोर्ट किया करती है। और ये बंदा इंडिया में नहीं आता था, ये बंदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आई होप सभी लोगों के डाउट क्लियर है, बढ़ जाते। अब यहाँ पे आता है इंडियन काउंसिल एक एजेंसी, भाई प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना है प्लीज, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, कम ज़्यादा है तो कई हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जनरली आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए जरूरी है, और भाई जनरली फीडबैक करो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मत कोई निकाल देना ठीक है। चलो तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, अब 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट जब इंडिया में आता है तो यहाँ पर जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो मैंने पढ़ी थी उसको क्या कर दिया जाता है यहाँ पर एक्सटेंड बढ़ाया जाता है बढ़ाने का काम किया जाता है। यहाँ पर जो वाइसराय को पावर दी जाती थी इंडियन को भी क्या कर दिया जाता है नॉन ऑफिशियली आप नॉमिनेट कर, तो यहाँ पे तीन इंडियन को क्या किया जाता है के राजा महाराजा ऑफ पटियाला यहाँ पर क्या किया था नॉमिनेट किया था नॉन ऑफिशियल इसके फॉर्म में। इसके अलावा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है कहाँ पर बंगाल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन में और पंजाब में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, वहाँ पर कंट्रोल और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है पावर कहीं ना कहीं है ना। फिर आता है यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है तो यहाँ पर भारतीयों को सबसे पहले पावर दी जाती है बजट में डिस्कशन करने की, डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की भी पावर दी जाती है कि आप लोग चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। काफी साल की काउंसिल है इसमें भी मेंबर्स को क्या किया जाता है एक्सपेंड किया जाता है इसको। अब एक्सपेंशन के साथ साथ यहाँ पे क्या नॉमिनेट जो मेंबर्स होते हैं उनको भी लाया जाता है, और नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं उनको केवल सेंटर में नहीं लेकर आते, जो प्रोविजेंसी थी उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स को नॉमिनेट करने की क्या पावर दी जाती है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। पर आप कहोगे सर इसके बीच में भी दो स्टेप थे, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर एक इससे पहले 1861 में भी एक एक्ट आया था और एक 1871 और 1873 ये दो एक्ट और आए थे, पर ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था मिनिस्टर सिस्टम यहाँ पे शुरू होता है 1861, तो आपको यहाँ पर बीच से टाइम पीरियड सॉरी 1861 में मिनिस्टर सिस्टम शुरू हुआ और 1873 यहाँ पर क्या किया गया उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की। और यहाँ पर जब एक्सपेंड किया जाता है तो इस समय पर ये डिसाइड किया जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल होगा वो 1 जनवरी ये जो एक्ट आता है ये आया इसके तक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की उसकी पावर को बढ़ाया जाए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा मोटा फैसला लग जाता है उसको कंट्रोल। तो 1 जनवरी 1884 कंप्लीट जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसे समाप्त कर दिया जाए, क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर, और साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पावर को क्या करती है कम्प्लीटली। तो ये चीज 1861 में तो आपको मिला मिनिस्ट्रियल सिस्टम प्रोग्राम, यहाँ पर इसका हो रहा है एक्सपेंशन, बजट में इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, डिस्कशन करने का मौका मिला, और इसके बीच में इन दोनों के बीच में एक ये और आता है जहाँ पर इसने कंपनी के बच्चे के जो थोड़े बहुत राइट थे उनको भी क्या करते हैं खत्म कर देते हैं, और खत्म करके पूरी तरह से एक ही व्यक्ति को होता है ये हुआ था। 1892 के आगे बढ़ते यहाँ पे आता है 1909 जिसे हम लोग पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, पार्लियामेंटो जो इंडियन सेक्रेटरी और वाइसराय थे उनके नाम से ये रिफॉर्म आते हैं।
और यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो सदस्य थे मेंबर थे उनकी जो काउंसिल थी वो 16 से कितनी कर दी जाती है 60 कर दिया था। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा उसमें 12 12 के बाद 18 18 और 16 16 के बाद ये चल रहा था। यहाँ पर पहली बार एक इंडियन हमको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इंडियन जिनको वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर नॉमिनेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है साथ ही साथ यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रॉल की बात किया थी, मैंने आपको बताया था आप बंगाल डिवीजन। और इसी के साथ साथ एक और चीज आई क्या तो भंग भंग हुआ था 1905 में और यहाँ पे मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई 1906 और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं लगातार मुसलमानों के राइट्स के लिए बात कर रही थी, यहाँ पे लगातार कर्जे के साथ कोशिश कर रही थी। उसका इम्पैक्ट हमको मार्लेट रिफॉर्म्स में देखने को मिलता है और यहाँ पे मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल देने की बात की जाती है और यहीं से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल बोला जाता है। आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव देने से मेन इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मेन इम्पैक्ट एक तरह से हमारी सोसाइटी को डिवाइड होगी, सोसाइटी को एक्शन में डिवाइड करने का मेन उसका मेन। दूसरा ये कि हम चाहते हैं मुसलमानों का रिफॉर्म हो, मुसलमान भी आगे बढ़ जाए, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन आज तक वो स्थिति है। और इसी तरीके से जो इस यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज आज तक होती आ रही है, आई होप आप लोग बात समझ रहे होंगे। मैं चाहूंगा भारत का मुसलमान समझे, जागरूक हो और आगे बढ़े। फिर यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो उस समय पर ये दोनों कौन थे, इंडियन सेक्रेटरी और वाइसराय थे। ये दोनों रिफॉर्म्स आते हैं इंडिया में और यहाँ पर क्या किया जाता है, सेपरेट डिवीजन किया जाता है पावर, पावर का क्या किया जा रहा है, सेपरेट डिवीजन किया जा रहा है। जैसे आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी बिल्कुल वैसे, यहाँ पर भी था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को अलग किया गया और प्रोविजन की जो थी या जो स्टेट थे उनकी पावर्स को अलग किया गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे डीआरके सिस्टम को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम लोग द्वेष शासन व्यवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोहरा शासन, द्वेष शासन व्यवस्था बोलते हैं। इसी समय पर हमको क्या बाइकैमरल सिस्टम देखने को मिलता है, डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। बाइकैमरल सिस्टम आप लोगों को पता होगा जैसे हम लोग बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, जिनके से यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषदें आ जाती हैं और यहाँ पर शुरू होता है क्या, डायरेक्ट इलेक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले दो इंपॉर्टेंट इवेंट थे, एक कौन सा था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद दूसरा यहाँ पे क्या होता है, राउंड टेबल कौन सा, इन दोनों का रिजल्ट था क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंतर्गत पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन का यूज किया जाता है और ये कहा जाता है प्रिंसिपल स्टेट्स और जो ब्रिटिश कंट्रोल प्रोविंसेस हैं सबको मिलाकर के आप फेडरल इंडिया बोला जाएगा। प्रिंसिपल स्टेट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको बोला जाता है ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या अपने आप को अलग सेपरेट मान सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर डीआरके सिस्टम को प्रोविंसी रीजन से क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है और जो प्रोविंसेस स्टेट थे उनको क्या एक ऑटोनॉमी दी जाती है। जो वेल्थ सिस्टम का दोहरा शासन व्यवस्था थी वो क्या की जाती है, जो प्रोविंसेस थी उस समय की वहाँ से हटा दी जाती है, केवल सेंटर में ही गैर को क्या हटाया जाए काम करने की ओर। आई होप बात समझ आई। सबसे अच्छी सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम पर लोग जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो उस समय पर जब यह आया
टाइम पर क्या किया जाता है, इंडिया और बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बर्मा इनकी बाउंड्री को भी यहाँ पे इस समय पर क्या डिसाइड किया जाता है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को आया था। इससे पहले 20 फरवरी 1947 को क्लाइमेट एक्ट के द्वारा जो डिक्लेरेशन दिया गया था तो इसको जून 1948 में आजाद करने की बात की, परंतु इसे आजाद कर दिया गया जहाँ पर डिमांड और लड़ाइयाँ और झगड़े देखकर कहीं ना कहीं डर लगता कहीं ना कहीं तो कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब मुक्ति का रिजल्ट होता है कि मुस्लिम यहाँ पर उन धराबे पर उतर जाती है, डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पर बनाए के द्वारा होता है और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि माउंट बेटन यहाँ पे 3 जून 1947 को डिसाइड करते हैं कि इंडिया को दो सेपरेट नेशन में डिवाइड कर दिया जाएगा और डिवाइड करने के साथ साथ इंडिया को अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट हो रहे हैं। और फाइनली 18 जुलाई को 3 जून को डिसाइड किया था, 18 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था यहाँ से हमारे अभी इस वीडियो में मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।